मोदी जी बस अपना हवा बना के काम करते हैं, हवाबाजी में काम करते हैं। सबसे झूठा प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा झूठा कोई। ये हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, ये तो इनका एजेंडा रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। ये हिंदू मुस्लिम करके ही गवर्नमेंट बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं देश में। गलत बात है ना, झूठे प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो हम कैसे उनको अच्छा प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। मेरा खून का प्यार, हमने देश के खून छुपानी आती है। हमने मेरे बाप दादा जो है ना, जेल असल में जल रहा है। अब लोगों को बोलते हैं गाय हमारी माता, लेकिन बीजेपी ने चंदा तो बीफ कंपनी से भी लिया है, जो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। मौजूद जी हमारी जामा मस्जिद के पीछे वाली मार्केट, कबाड़ी मार्केट में। यहाँ पर जनता से जानेंगे कि जनता इस बार क्या क्या मुद्दे देख रही है और किन किन मुद्दों के साथ इस बार पोलिंग बूथ पर नजर आएगी। हालांकि मोदी जी की तरफ से और भाजपा की तरफ से लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो वहीं विपक्ष तमाम रैलियां और भाषणों में कह रहा है कि हमें मोदी जी को हटाना है और जितनी मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है उसे खत्म करना है। तो यहाँ पर सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि मोदी जी आपको पहले कैसे लगते हैं। सबसे खराब प्रधानमंत्री, इससे कोई फरान आया ही आज दुनिया में, कहीं पर भी किसी कंट्री में नहीं। खराब प्रधानमंत्री, बिल्कुल खराब। मजे साहब योगी फोगी सब धोगी, समझ गए। पहले 35-40 पर हम पेट्रोल जाते, आप 110 रुपए में चला रहे हैं। 40 रुपए मतलब था, आज 12 रुपए दे ले रहा है। हाँ, और जहाँ जहाँ गरीबों की तनख्वाह वही पे है, किसी काम करने वाला पूछे मतलब वही तनख्वाह पड़ी है। कहाँ से कम है, कभी क्या खिलाया वो 5 किलो अनाज को अपने बाप दे रहा है क्या? हमारे पैसे दे रहा है, हमारे पैसे से वो अपने बाप नहीं दे रहा है। 5 किलो आसान किसी को दिया वो बना अपने खज्जी पिका पका खा रहा है। उसने क्या कांग्रेस मतलब नहीं किया था, और लोगों ने क्या था मतलब इस देश के लिए, उसने क्या क्या है उन्हें बता दे। किसी 10 काम बता दे मतलब उसके लिए, 10 काम बता दे कि हमने ये किया है। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब ये किया है, मैंने हॉस्पिटलें खिलवाया मतलब जो है आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे बस स्टैंड पे के एम्स सब झूठ बनाया, सब कांग्रेस की बनाई हुई चीज है। कांग्रेस ने तो गड्ढे दिए थे हमें। कांग्रेस ने कौन गड्ढे दिया था? भाजपा क्या दिया? वो झूठ बोल रहा है, झूठ 100% झूठ। अल्लाह की आवाज आ गई, मैं जान सकता हूँ। अल्लाह की आवाज झूठ बोल रहा है, बिल्कुल 100% झूठ। 100 के पूरे पूरे सच्चे प्रधानमंत्री, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा झूठा कोई। मैडम, चुनावी प्रेशर तो इतना है मोदी जी के ऊपर कि अभी राजस्थान में जो उनकी स्पीच वायरल हो रही है, इतना बौखला गए कि उन्होंने बोला था कि मनमोहन सिंह ने ये बोला था कि सारी जो संपत्ति है देश की वो मुसलमानों में बांट देंगे और उनको बांट देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। तो ये तो हर कोई पढ़ा लिखा जानता है कि रेशियो इस टाइम किसके बच्चे ज्यादा हैं, मुसलमानों से कम हिंदुओं के, मतलब सभी के बच्चे ज्यादा हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये, मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला भी नहीं था, मोदी जी झूठ ही बोल रहे हैं, ये बात तो हर कोई जानता है। मनमोहन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मनमोहन ने अल्पसंख्यक के लिए बोला था कि ये जो संपत्ति है अल्पसंख्यक को भी दिया जाएगा। अल्पसंख्यक में मुसलमान तो आते हैं, सिर्फ मुसलमान तो आते हैं, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, और जितने भी हैं सभी के लिए बोला था। लेकिन उसको मोदी जी बोल रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों में बांटने के लिए, ये तो देखो गलत बात है ना। झूठे प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो हम कैसे उनको अच्छा प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कांग्रेस अगर गई तो घुसपैठिया घुस जाएंगे, घुसपैठिया मैम कैसे घुस जाएगा? अभी तक तो वो घुसा नहीं है, घुसपैठिया तो अब कैसे घुस जाएगा? कांग्रेस के टाइम में आतंकवाद ज्यादा था, बम विस्फोट। बात तो ये है कि पुलवामा में इतने 40 हमारे फौज, मैं किससे बोला पुष्टि से ना, जबकि वो क्या वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि मुझे पिए तो क्यों दिया, क्यों दिया क्यों नहीं, सुने शिक्षा क्यों दिया उसको, भाई क्यों भिजवाया वहाँ पे श्रीनगर में, वो क्यों वहाँ करवाया मरवाया, उससे पहले इसने मरवाया देश के नाम पर। नहीं भाई, हमें खून मजा है, हम अपने खून चला हुआ है। किसी ने कि मेरा खून का प्यार, हमने देश के खून छुपानी आती है। हमने मेरे बाप दादा जो है ना, जेल असल में जेल में रहा है 5 साल, आखिर 9 बजे के घर आते ही खुश हो गए वो। उसने कौन सी दिया मतलब, जिसके लिए मतलब क्या बताएं मैम? ये आप युवा है, रोजगार मिला या नहीं मिला? कोई रोजगार नहीं मिला मैडम, अभी तक का जो हुआ वो है। अब जो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया है और बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, तो बीजेपी का क्या है, उसमें सिर्फ धर्म की बात थी, ज्यादातर धर्म की बात की गई। और यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे 48 पेज का है, बीजेपी से कम है। बीजेपी का मैनिफेस्टो 78 पेज का है,
उसमें बच्चे के पैदा होने से लेके उसके जवानी लेके बुढ़ापे तक की उसमें फिक्र की गई है, और रोजगार की भी स्पेशल उसमें कैटेगरी दी गई है, रोजगार की भी ज्यादा बात की गई। तो मैं कांग्रेस अपील करूंगा वोट फॉर कांग्रेस, क्योंकि उसमें रोजगार को लेके और बच्चे युवा और बुजुर्ग सभी को ध्यान दिया गया है उसके मैनिफेस्टो में। ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से, मतलब कि इसमें बहुत सारी मैडम राहुल गांधी मुस्लिम थोड़ी है तो वो भी हिंदू। ये जो लीडर है मोदी जी या जितने भी सारे लीडर है, ये हिंदू मुस्लिम तो करते हैं, ये तो इनका एजेंडा रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। ये हिंदू मुस्लिम करके ही गवर्नमेंट बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं देश में। इनके कोई भी आप किसी भी पॉलिटिशियन की आप स्पीच सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जरूर होगा, हमारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क चाइना भी है। कभी किसी आप पॉलिटिशियन के मुंह से चाइना का जिक्र नहीं सुनोगे, जबकि वो घुस भी रहा है इंडिया में, कितना कब्जा कर चुका है अपनी हद से बाहर, ऑक्यूपाइड कर रखा है। चाइना ने लद्दाख के ऊपर काफी सारी एरिया घेर रखा है, कभी प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर फिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री जी हो या फिर बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हो या नेता हो, यही बोलेंगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, हिंदू कौन सा खतरे में, देख लीजिए इस रोड पे आज भी हिंदू घूम रहा है, कौन सा कितना है। मुझे नहीं लगता पूरी बीजेपी में पढ़े लिखे लीडर है, और ये सारे जो लीडर थे वो सारे कांग्रेसी लीडर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नहीं ऐसे तो कांग्रेस के भी लीडर, भाजपा के लीडर भी कांग्रेस, भाजपा जो है ना वो एक वॉशिंग मशीन का काम करती है, आप पर भी कोई ना कोई ब्लेम लगा देगी अगर आप ईमानदारी से अपना न्यूज चैनल शो करते हो, आप पर भी कोई ना कोई ब्लेम लगा देगी और फिर आप बीजेपी सपोर्टेड बन जाओगे, तब आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये बताइए नौकरी से आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? मैम ट्राई किया हमने गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए, बट वहाँ पर बहुत कंपटीशन हो रखा है, इसलिए काफी टाइम से कोई जॉब वैकेंसीज नहीं आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो हम मैम अपना खुद का प्राइवेट ही कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वहाँ पर वैकेंसी कब से नहीं निकल रही है? मैम वैकेंसी निकलती है, बट इतनी निकलती है कि अगर 10,000 वैकेंसी है तो उसके लिए 20,00,000 कंपटीटर तैयार है। उसमें सेलेक्ट होने के लिए भी मैम ऐसे कह नहीं सकते, सब मतलब मैम बहुत घोटाला होता है, भर्ती घोटाला, आए दिन पेपर लीक हो जाती है। उसमें 2018 में ALP का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट, तो एग्जाम होने के बाद वो भर्ती पेंडिंग में चली गई, पता नहीं चलता कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कब हमें मतलब ऑफर आगा कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ज्यादातर भर्ती जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ये रहता है। कुछ बहुत योजनाएं जो 10 साल में मोदी जी ने दी है वो जमीन पर पहुंची या नहीं पहुंची? हाँ नहीं, जो जो योजना बहुत सारी योजना आई भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ये सारी है, और फिर वो आयुष्मान भारत योजना, वो सब योजना आई है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने इतना करा तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर तो वो करेगा। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हमारे लिए बनाया, तो ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, तो हमें बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने घर मंदिर बनाया, अच्छी बात है, वो लोगों की आस्था का विषय है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल, इस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी क्यों कहते हैं कि युवा इस बार मेरे साथ है, महिलाएं इस बार मेरे साथ है, सभी मेरे साथ है? मैम युवा तो हर बार ही मोदी जी के साथ है, तो फिर मैम मैं बताऊं, साथ में नहीं भी है, बस एक हवा बनाई जाती है। अच्छा। मोदी जी बस अपना हवा बना के काम करते हैं, हवाबाजी में काम करते हैं, क्योंकि ईवीएम में घोटाला कर रखा है उन्होंने, जहाँ पर उन्हें एक सीट निकलने की नहीं है, एक वोट मिलने का चांस नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बहुमत ईवीएम पर तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया कांग्रेस को, याचिका लेके पहुंची थी, घोटाला होता है सभी खारिज कर दी गई है। मैडम ऊपर से नीचे तक सब कुछ बीजेपी का, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बीजेपी का है। बीजेपी किसी पे भी कोई भी एलिगेशन लगा सकती है, किसी को भी क्लीन चिट दे सकती है, तो मैम इस चीज को तो कोई फायदा ही नहीं होगा। मैम बाकी जो देश में सबसे मशहूर इलेक्ट्रोल बॉन्ड चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बीजेपी कब किससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड मतलब चंदा लेती है, और फिर ना दो तो कैसे कैसे एलिगेशन लगाती है। अब लोगों को बोलते हैं गाय हमारी माता है, चलो अच्छी बात है, आपका मानना है तो मानो, लेकिन बीजेपी ने चंदा तो बीफ कंपनी से भी लिया है जो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती है, उससे भी चंदा ले रखा है बीजेपी ने। अगर आप इतना ही मानते हो चलिए माता अच्छी बात है मानो, तो फिर उससे चंदा की जरूरत, बंद करा दो एक्सपोर्ट, क्यों गाय कटवा रहे हो भैंस कटवा रहे हो, वो भी तो माता है ना। आप क्या सोच रहे हैं भैया? प्रधानमंत्री तो बेरोजगारी तो बढ़ा ही रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और क्या क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी इस बार नहीं बनेंगे, 400 पार कह रहे हो, कहने से क्या होगा, कहने से थोड़ी होता है, हम भी कह देंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बन जाएंगे क्या? हाँ भैया किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी। अच्छा
राहुल गांधी हाँ भैया किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। किसे देख रहे हैं भैया प्रधानमंत्री? राहुल गांधी लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ दे सकते हैं टक्कर। अच्छा युवा है तो 10 साल में रोजगार मिला या नहीं? ज्यादा खास काम नहीं रहा, मंदा ही रहा, ये सब कुछ काम ठंडा पड़ा। देखो कितनी सारी दुकानें बंद है, मार्केट की काम ही नहीं है। क्या कारण है जो ये दुकानें वगैरह सब बस मंदा ही है मैडम, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है। महंगाई लगती ही नहीं लगती? महंगाई लगती क्या है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है महंगाई तो। सिलेंडर कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, महंगाई बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास आदमी को बहुत परेशानी है बेचारे को। मोदी मैजिक चलने वाला है? लगता तो नहीं है चलेगा, बाकी चल जाए तो उनका लक। योजनाएं मिली मोदी जी वाले? कुछ भी नहीं मिला। 5 किलो राशन नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, 1 किलो नहीं मिला, 5 किलो तो बहुत दूर की बात है। हवाई जहाज से यात्रा करी या नहीं करी? आज तक नहीं करी, गुंजाइश ही नहीं बन पाती, ट्रेन की यात्रा नहीं कर पाते। मोदी जी ने कहा था जो हवाई चप्पल पहनेगा हवाई जहाज की यात्रा करेगा। जूता फट रहा है वही नहीं बदलवाया, हम हवाई चप्पल कहाँ से पहनाएंगे मोदी जी? राहुल गांधी क्या अच्छा लग रहा है? राहुल गांधी में क्या अच्छा लग रही है? मोदी जी कह रहे देश चलाना आता है, राहुल गांधी ने इतने साल नहीं चलाया, कांग्रेस ने नहीं चलाया इतने साल तो कांग्रेस ने राज कर रहे। मोदी जी तो अब आया, सब बेच दिया, लाल किला वगैरह सब चीजें बेच दी। किसको बेच रहे? कंपनियों में सब में बेच दिया, लाल किला किराए पे दे दिया, सब पता है। प्राइवेट कंपनी में दे रखा है किराए पे। युवा है रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रही है रोजगार, नहीं मिल रहा नहीं। तो महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? हाँ। ज्यादा है कम है? महंगाई तो कम है। कम है? हाँ। अच्छा और ज्यादा? और अच्छी ज्यादा है। महंगाई तो इतना है कि आसमान पकड़ लिए हुआ है। अच्छा अब बताओ इससे कितना महंगा जाएगा, और आएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव कैसा देख रहे हैं इस बार? चुनाव में तो राहुल आएगा तो अच्छी है। हाँ इसको तो हटना चाहिए। किसको? मोदी को। मोदी मैजिक है? आपको आपको लगता होगा लहर है, हमको तो नहीं लगता। जनता भी कहती है कि मोदी मैजिक के सामने कौन टिकने वाला है। अच्छा हो सकता है कहीं जनता का कोई और विचार हो, जनता को बहुत कुछ लगता है, मगर हमें नहीं लगता है कि मोदी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यही देखना होगा कि इस बार 4 जून को नतीजे किसकी तरफ पड़ने वाले हैं, किसको ज्यादा मतदान मिलने वाला है, कौन बहुमत से इस बार सरकार बनाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।